हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो तीन टॉपिक को लेकर के। उसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी है, उसमें UKPSC भी है, उसमें RO भर्ती भी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो विषय है वो आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव बड़ोनी निलंबित हो गए हैं, और ये उन सभी युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने ये संघर्ष बहुत लंबे समय से लड़ा है, चाहे वो बॉबी पवार हो या अन्य जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज़ को निरंतर रूप से उठा रहे हैं, जिन्होंने बहुत प्रयास किया है। और विशेषतः उन लोगों के लिए जो इस घपले के माध्यम से इस वीडियो भर्ती और अन्य भर्तियों में बाहर किए गए हैं, ये उनकी निश्चित रूप से आज विजय है और हम सरकार की इस विषय को लेकर के सराहना करते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई, नंबर एक। नंबर दो, जो सचिव संतोष बड़ोनी जी है, इनकी संपत्ति की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे बॉबी पवार कह रहे कि इनके 2 साल का कॉल डिटेल निकालो कि इन्होंने किस किस से बात की है, क्या ये सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ये इन्वॉल्व हैं तो निलंबन से काम नहीं होगा, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इन पर मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि मैं ये आरोप तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अनुमान है कि बिना आयोग के सचिव के और बिना आयोग के अध्यक्ष की जानकारी के किसी भी आयोग में इतना बड़ा घोटाला कभी भी नहीं हो सकता है। ये आप भी मेरी बात से परिचित होंगे और इससे इत्तफाक रख रहे होंगे कि इतना बड़ा किसी आयोग में घोटाला हो गया, और लगभग हर भर्ती में घोटाला हुआ है। आज 8 भर्तियाँ और ऐड की गई हैं, तो हर भर्ती में घोटाला हो रहा और आयोग के सचिव और अध्यक्ष उससे कैसे अछूते हैं, ये बारिश में बिना छाते के नहीं भीगने के समान है। तो ये बहुत कठिन है कि कैसे ये लोग कर पाए, कैसे ये लोग इस बारिश में नहीं भीगे हैं, इस घोटाले में इनके हाथ काले नहीं हैं। ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। अब वो आयोग, वो हाईकोर्ट भी तय करेगा। जब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट मुझे लगता है कि इनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन ले सकता है। अगर हाईकोर्ट वास्तविक रूप से जनता की आवाज़ है तो हाईकोर्ट सचिव संतोष बड़ोनी और अध्यक्ष जो एस राजू थे, इनके खिलाफ बहुत सख्त जांच का विषय उठा सकता है कि इनके खिलाफ जो है भी जांच होनी चाहिए। इनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं हुई अभी तक, ये गंभीर विषय। ये निलंबित हो जाएं लेकिन इनके खिलाफ FIR कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जाँच का विषय है कि इनकी जाँच अधिक गंभीरता से की जाए। और हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, इन लोगों की भी जाँच हो। दूसरा जो विषय है वो है कि महिला क्षेत्र आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। अब मैं सीधे सीधे तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा जो आकलन है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा कर के इस विषय को डिफेंड करना चाहेगी। लेकिन ये स्टक डाउन होने की पूरी संभावना है कि ये विषय जो है फिर से वही आएगा जो हाईकोर्ट का है। और मुझे लगता है कि जो 30% महिला आरक्षण है वो सभी महिलाओं के लिए मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं सरकार, क्योंकि सरकार पुरजोर पैरवी की बात कर रही है, लेकिन पैरवी करना और संविधान के सम्मत तर्क सम्मत बात रखना एक डिफरेंट चीज़ होती है। आप राज्य की परिस्थितियों को बता सकते हो, लेकिन संविधान सम्मत बात जो होती है वो संविधान सम्मत ही होती है। अब देखते हैं सरकार उसको कैसे डिफेंड करती है। मैं इतना कानून का जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि ये 30% जो महिला आरक्षण है, शायद सरकार भी चाहती है कि सबको मिले, और यही एकमात्र तरीका है इस विषय को आसानी से सुलझाने का मेरे अनुसार। दूसरा इससे अच्छा आसान तरीका है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए कुछ ऐसा विशेष प्रावधान लाए, लेकिन ऐसा लाएगी तो अन्य राज्य भी इसकी मांग करेंगे, जिस वजह से इस विषय को केंद्र सरकार छूना भी नहीं चाहेगी, क्योंकि फिर केंद्र सरकार के लिए एक असमंजस की स्थिति अपने आप खड़ी हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या केंद्र सरकार क्या राज्य सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट में करती है। लेकिन जहाँ तक मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ कि 30% जो महिला आरक्षण है वो सुलझाने का सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि इसमें ये सभी को मिल जाएगा। अब अगले चलते हैं कि आंदोलनकारियों के आरक्षण का बिल राजभवन से लौटा। इसको ये वो 10% आरक्षण उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को क्षतिज आरक्षण दिया गया था, और इसका जो विधेयक है वो राजभवन से 7 साल बाद लौटा दिया गया है। ये इसी तरीके का कुछ विषय था। इस मामले को देख लेते हैं कि ये मामला क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड आंदोलन कार्यों को लेकर के। एनडीए सरकार यानी नारायण तिवारी सरकार में आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षतिज आरक्षण का शासनादेश हुआ था। वर्ष 2004 में हुए शासनादेश में कुछ आंदोलनकारियों को इसका लाभ मिला जो सरकारी नौकरी पा चुके हैं। कुछ का चयन हुआ पर नियुक्ति नहीं मिली। इस बीच हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इस शासनादेश को रद्द कर दिया गया था। तो ये इसलिए इस विषय का मामला अभी इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि
जो ये महिला आरक्षण है ये क्षैतिज आरक्षण ही था और वो भी रद्द हुआ, तो इसलिए ये मामला भी फिर से सामने निकल करके आया है। तो धामी जी कह रहे हैं कि हम नए सिरे से इसका प्रस्ताव भेजेंगे और रविंद्र जोगराम जो प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इसकी खामियों को दूर करेंगे। अगला जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है आज का कि जांच करा विधानसभा में घपले वाली भर्तियां रद्द करें। मुख्यमंत्री ने कल शाम को एक पत्र लिखा है जो स्पीकर महोदया हैं रितु खंडूड़ी जी उनके लिए, और इसमें जो बातें निकल करके आ रही हैं कि ये जो प्रेमचंद अग्रवाल के टाइम की जो भर्तियां हैं ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये खारिज हो जाएंगी, ये रद्द हो जाएंगी। लेकिन ये रद्द होने से के मामले की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि इसमें प्रेमचंद अग्रवाल की जांच हो, क्योंकि वो एक मीडिया संबोधन में बड़े अहंकार में कहते हुए पाए गए थे कि मैंने जो भी किया है वो नियम सम्मत किया है। मैं प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन से संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष अपने रिश्तेदारों की भर्ती, अपने चहेतों की भर्ती विधानसभा में कर सकता है? ऐसा संविधान में कहीं लिखा हो तो बताएं। अगर संविधान किसी विषय को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष को विवेकाधिकार देती है तो उस विवेकाधिकार का क्या दुरुपयोग नहीं हो सकता है? और ये साफ साफ दुरुपयोग का मामला है, इसलिए दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इसका एक छोटा सा मामला मैं आप बताता हूँ, जो 1992 में मेहता स्कैम जो हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में, जो मेहता स्कैम हुआ था, तो जो हर्षद मेहता स्कैम में भी ऐसा ही कुछ विषय था कि उन्होंने कोई सिस्टम में घपला नहीं किया था, उन्होंने सिस्टम के लूप होल का फ़ायदा उठाया था, इसलिए हर्षद मेहता पर वो स्कैम का नाम आज तक चलता है। तो क्या विधानसभा अध्यक्ष ने जो विधानसभा विवेकाधिकार थे, जो विधानसभा अध्यक्ष के विवेकाधिकार थे, क्या इन विवेकाधिकारों का दुरुपयोग नहीं हुआ है? अगर हुआ है दुरुपयोग तो इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोविंद सिंह कुजवाल की बात कर रहा हूँ और उनके पूर्ववर्ती जिन्होंने भी ये काम किया है, जिन्होंने उस विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया है, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हम सभी की मांग है और ऐसे सरकार को करना चाहिए। भर्तियां रद्द तो होंगी वो मुझे पता है, क्योंकि सरकार के ऊपर अभी प्रेशर है, सरकार के ऊपर दबाव बन गया है, तो वो भर्तियां नियुक्त रद्द होनी तय है। लेकिन सरकार को ये भी जानना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो, इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो विधानसभा सचिव हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और जिन जिन लोग जो जो लोग इसमें शामिल थे उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के इसका एक तर्कसंगत न्याय होगा। अब एक आता है कि सीबीआई जांच को लेकर के क्या सरकार सोच रही है। दोस्तों अब ये मामला जो है वो हाईकोर्ट चला गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट इसमें 100% सीबीआई जांच की पॉसिबिलिटी है कि हाईकोर्ट इसमें या तो सीबीआई जांच की बात करेगा या न्यायिक जांच की बात कर सकता है कह रहा हूँ, बाकी हाईकोर्ट का अपना निर्णय है, मैं उसमें अधिक नहीं कह पाऊँगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे पहले शायद सरकार इस सीबीआई की संस्तुति कर दे। क्यों? क्योंकि अगर सरकार से पहले हाईकोर्ट ने इसकी संस्तुति कर दी तो वो सरकार के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति होगी। और जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं बैकडोर से वो ये है कि सीबीआई जांच की संस्तुति शायद कुछ दिनों में हो जाए। अब देखते हैं, पहले हाईकोर्ट करता है, पहले सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है, अगर जिस प्रकार से युवाओं ने इस समय प्रेशर बनाया है, अगर इसी प्रकार से प्रेशर बना रहा तो सीबीआई जांच के आदेश जो हैं वो कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार से प्रेशर बना कर रखिए दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो अन्य माध्यमों पे एक्टिव हैं, जिनके फॉलोवर्स अच्छे हैं, चाहे वो फेसबुक हैं, चाहे व्हाट्सएप हैं, चाहे वो टेलीग्राम हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हैं, इस विषय को पोस्ट करते रहिए। ये विषय बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर है, हम सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सिर्फ अपना ना सोच करके सभी के लिए एक कलेक्टिव आवाज़ बने और सब एक आवाज़ उठाएं, जिसके पास जो माध्यम है वहाँ बोलें और निरंतर बोलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।